हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज हम लोग CHSL के लिए सेट नंबर 14 शायद करेंगे, ठीक है। 13 तक हम लोग कर चुके थे। उसके अलावा प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। बाकी देखिए, आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि इसी से रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और एक फ़ायदा भी होता है लोगों को, ठीक है। थोड़ा मेरा भी फ़ायदा होता है, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग करवा देते हैं उनसे, और ज्ञान देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों को वो नॉलेज भी मिलता है अगर वो इन वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है। फ्री का नॉलेज है, आई थिंक सभी को लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कल एक ST में आया भी था और उसको मैंने पहले ही बना लिया था और ये कल आ गया, तो बहुत ही संयोग की बात थी कि ये उसमें आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, x की वैल्यू दी गई है आपको और यहाँ पे आपको x स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं अगर नोट करूँ तो ये कितना दिया हुआ, ये दिया है 627। इसको चेंज करना देखिए बहुत अच्छा एक तरीके से कला होगी। और ये कितना दिया, इसको मैं अगर मैं चेंज कर लूँ 27/4। अब देखिए डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये 6 और ये 27 है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्यूब आएगा और वो किसका बन जाएगा, 3 का, ठीक है। आप समझे, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 और वो कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे प्लस में तो ये तो डायरेक्टली वही आ जाएगा 27/4। माइनस का 2ab होता है ना, ये यहाँ से 2 आ जाएगा अपॉन का, ये 27/1/6 प्लस, अब देखिए 27 का 1/2 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसीलिए मैंने बोला था कि ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। ये 4 तई 12 और ये आ गया 39/4, ठीक है। यहाँ से क्या आता हुआ दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 8 और 2/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि 2/3 का मतलब क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि 27, ठीक है, का क्यूब रूट जो भी आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, या 1+1/3 से भी कर सकते हो आप, आपको जैसे अच्छा लगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 जैसे ही आपका आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। आप लोग याद रखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3/4, ठीक है। कैसे निकाली मैंने आप लोग देख सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अब आप इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू, इसमें सब में क्या है, √5 छुपा हुआ था। देखिए 9 × 45 मतलब 3√5 है, ये कितना है, 5 × 1 = 5 × 2 = 10 मतलब 11√5 है। इसी प्रकार ये आपका है 5 × 4 = 20, ये 7√5 है, ठीक है। अपॉन में कितना है, ये 4√5 है, और ये आपका है कितना, ये है 5√5, ठीक है। तो जो इस जितना फास्ट करेगा उतनी जल्दी इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप बहुत आराम से चलोगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट में होगा, और आप जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको तुरंत हिट करेगा अगर दिमाग में, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। तो 11 × 3 = 14 = 7 = 21√5, इवन √5 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे से कट जाएगा, 5 × 4 = 9√5, ये आपका आ चुका है 3 × 7 = 21 = 9, तो 7/3। लेकिन ये y की वैल्यू है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49/9, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 49/9, और आपको पता है कि आपको इसके साथ में क्या जोड़ना है, 49/9 को जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपकी y स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 9 × 3 = 27 और ये 49 × 4 = 196 आ जाएगा, अपॉन में 36 आ जाएगा। अब आपके देखिए दो ऑप्शन तो कट गए, अब 36 वाले में क्या दिख रहा है, 223/36 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि CHSL प्री के लिए तैयारी हो रही है, और आप विश्वास मानिए मेरा कि ऐसे ही क्वेश्चन CPO में भी आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन CGL में भी आते हैं। अगर CGL के लास्ट के 10-15 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें तो बाकी का पेपर ऐसा ही आता है, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं आता। ऑलरेडी मैं 2 पेपर दे चुका हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है, ठीक है। तो 30% भाग दे दिया, अगर मैं मान लूँ कि आपके पास टोटल मनी कितनी है, 100, तो 30 आपने दे दी तो आपके पास कितना बचा, 70, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शेष राशि का, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए अपना, शेष राशि का क्रमशः 30%, तो 21, अगर मैं 70 का 30% निकाल लूँ तो 21, उसके बाद अगर 25% अपनी पत्नी और बेटे को देते, मतलब ये वाला पत्नी को और ये वाला बेटे को दे देता है, ठीक है।
ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोगों ने 100 माना था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था 30% दे दिया, तो ये 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या था कि ये 70 बचा, ठीक है, यहाँ पर थे हम लोग, 70 बचा। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें से 30% मतलब 21 उसने अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है, और 25% दे दिया अपने बेटे को। तो 25% मतलब 1/4, और 1/4 अगर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 4 7 28, 4 5 20, मतलब इतना, ठीक है। अब बाकी का जो बचा है कह रहा है कि वो बराबर 3 बेटियों में बांटता है, ठीक है। अगर आप उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21 7 28.5 38.5 40 30 70 31.5, तो कितना बचेगा, अभी बचा है 31.5। और इसको तीनों बेटियों में बराबर बांटेगा, इसका मतलब 3 का डिवाइड करोगे मतलब एक बेटी को कितना मिलेगा, 10.5, ठीक है, 10.5 मिलेगा। और उसका कितना वैल्यू आपको दिया गया है, 42 लाख दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7 7 5 35 7 6 42, ये 0 घटाओगे तो 15 चौको 60, 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे कि उस आदमी कुल संपत्ति कितनी है, तो 400 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 400 लाख, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कठिन क्वेश्चन था, बट ये ऐसे क्वेश्चन आपको स्पीड में करने होते हैं, ठीक है, स्पीड सबसे मैटर करती है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, इसका एक सिंपल सा फंडा ये था कि इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, मतलब 14 और 25 का रेशियो आपको दिया गया स्टार्टिंग में। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, आपसे पूछा कितने उम्मीदवारों ने, तो कितने, 14 और 25 को अगर आप ऐड करते हो तो 39 आएगा, ठीक है। तो आपको केवल स्टार्टिंग में ये देख लेता था कि 39 का मल्टीपल कौन सा है, तो केवल एक मल्टीपल आपको दिख रहा है, ठीक है, 4 5 20 195, 5 बार जाएगा तो 39 5 कितना होता है, 195। तो एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये एक फंडा था जो आप डायरेक्टली सोचना चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। अब आप इसको बेसिक से ले जाओगे तो कैसे होता है, आपसे कहा है कि ये रेशियो आपको दिया गया चुने और ना चुने हुए लोगों का, ठीक है, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो पहले कितने लोगों ने आवेदन किया, 39 ने, कितने 35 कम कर दो, उसके बाद क्या हुआ कि 10 लोग कम चुने जाते, तो पहले कितने कम लोग चुने गए थे, 25, 10 लोग कम चुने जाते, सॉरी, तो चुने गए कितने लोग हैं, 14x है, ठीक है, और कितने कम चुने जाते, 10 लोग कम चुने जाते। अब आपको ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे ऊपर क्या किया है, आपने टोटल में से 35 घटाया है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो टोटल वाला आएगा। तो ये 3:5 का जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पे आप क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर नीचे आपने जो ये चीज़ लिखी है, ये लिखिए चुने हुए लोगों का रेशियो है, ठीक है, चुने हुए लोगों में 10 कम चुने जाते, तो यहाँ पर कितने लोग चुने जा रहे हैं, 3:3:5 में जो चुने हुए लोग हैं वो 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 × 9 = 27, 2 × 3 = 11x, 35 × 3 कितना होता है, 105 होता है, बराबर में करोगे तो 8 × 32, 3 × 8 = 3 = 11, 112x - 80। इसको आप देखिए सॉल्व करने जरूरत नहीं है, इधर 5x आएगा, इधर 25 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही 5 आई, आपको क्या निकालना था, उम्मीदवारों की संख्या, जो कि थी 39x, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई मार दोगे तो सीधे सीधे 195 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए करने का तरीका, देखिए एलिगेशन मेथड से करके बताता हूँ इसको मैं। आप सभी को पता है कि 65% जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है कैसे करना है, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 65% का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बची हुई वस्तुओं को x परसेंट की हानि पर बेचा, x परसेंट की हानि मतलब माइनस में रहेगा, और टोटल पे क्या हो रहा है, 12% की हानि, तो मैंने बीच में लिख लिया माइनस का 12, ठीक है। अब आपको पता है कि एक वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, एक वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। 65 में से 12 आप घटाओगे तो जुड़ता है, तो कितना आ जाएगा, 77, ठीक है। अब देखिए ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है, ये वस्तुओं के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो वस्तुओं का रेशियो कितना है कि ये 35 है और ये कितना है, 65 है, ठीक है। सिंपल सा फंडा समझे, ये 35 है, देखिए यहाँ पे बोला 35 वस्तु 65% प्रॉफिट पे, और बाकी वस्तुओं को तो एक्स परसेंट की हानि पर बाकी वस्तुओं को बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको कह दूँ 5 × 7 = 35 और ये कितना है, 13, तो 13 की वैल्यू कितनी है, 77। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 13 की वैल्यू कितनी है, 77, ए की वैल्यू 77/13, अपनों किसकी निकालनी है, 7 की वैल्यू, गुणे 7, 7 × 7 = 49, 4 = 53, 539/13। इसको सॉल्व कर लो, 13 = 52, 13 = 13 और 13 = 65, अप्रॉक्स मतलब 65 तो कम है बट
41.5 के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, 41.5। समझ के आया? हमने पहले ऊपर लिखा, उसके बाद में यहाँ पे हम पहुँच गए इस जगह पे, ठीक है। ये जगह इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि इसमें से जब आपने घटाया होगा तो प्लस का 12 आएगा, जब मैं माइनस एक्स में माइनस का 12 घटाऊँगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 41.5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 53.5। x की वैल्यू कितनी आएगी, 53.5, क्योंकि 53.5 आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये आएगा माइनस का, ठीक है। 53.5 से जब आप 12 घटाओगे, ठीक है, माइनस के 53.5 से जब आप 12 घटाओगे तो प्लस का 12 होगा और तब ये आएगा 41.5, ठीक है। तो ये काफ़ी दिमागी सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको, फिर से आप लोग देखिएगा आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए मैंने ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी में और आपको रटा हुआ होना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 15, और बड़ा क्या है, 60, 60 को नीचे डाल दो, 1/4, और आपको पता है कि घंटे में 60 का मल्टीप्लाई मारोगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल है कि विराम बस चल रही है 60 की स्पीड से, उसको रोक दिया गया, ठीक है, तो कहना है बस की चाल, अगर वो समय जोड़ दिया जाए तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। जब भी ऐसा सवाल है तो कितने मिनट के लिए रुकी बस, जब ये क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस अपॉन में क्या करना है आपको, केवल जो भी बड़ा है उसको अपॉन में डाल दो और ये आएगा घंटे में, उसको मिनट में चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 इसका राइट आंसर आएगा। आपको पता है कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन होता है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ए बी एक साथ जितने दिन में काम करता है, ए बी एक साथ काम करने की तुलना में ए जो है वो इतना अधिक समय लेता है, ठीक है, और ए बी एक साथ काम करने की तुलना में बी जो है वो इतना अधिक समय लेता है। तो आपको पता है कि ए बी कितने दिन में काम करेगा, ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे अंडर रूट ये, तो 10/88 और मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या दिया गया है, 25/2, तो आपको साफ साफ चल रहा है पता, नीचे से 4 निकल आएगा बाहर, यहाँ से 9 निकल आएगा और यहाँ से 5 निकल आएगा, तो 45/4 आ गया आपका। ए बी कितने दिन में कर रहा है, 45/4 दिन में, ठीक है। अब पूछा गया बी कितने दिन में करता है, और यहाँ पे दे रखा है आपको कि ए बी के एक साथ काम करने की तुलना में जो बी है वो इतने दिन अधिक ले रहा है, तो ये तो ए बी का ही गया ना, इसमें 25/2 अगर मैं और जोड़ दूँ तो गैस का आंसर आ जाएगा बी का आ जाएगा, ठीक है। तो 45/4 और यहाँ पर देखिए इसमें 2 का मल्टीपाई ऊपर 2 का नीचे कर सकते हो, ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपको 95/4 दिख रहा जाता हुआ, मारो डिवाइड इसमें 2 और 4 ताई 12, 3/4, 23 सही 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, 23 सही 3/4। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, मैंने ए बी का पहले निकाला अंडर रूट से, ठीक है, दोनों जो ज़्यादा हो रहे थे उनको डाल दिया उसमें और उनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, वो क्या निकल के आया कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, उसके बाद में ए और बी जितने दिन में काम कर रहे थे उससे 12.5 दिन अधिक ले रहा था बी, तो मैंने बस क्या किया 12.5 दिन को और जोड़ दिया उसमें, तो बी का काम निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अगर जब भी इस टाइप के ऑप्शन है तो वैल्यू पुट आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, और सबसे पहले जब वैल्यूज़ दी हो तो हमेशा 45 से जाओ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब 45 जैसे आप रखोगे तो कितना देखिए सिंपल हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा 1/8 + 1/8, इवन 1/8 भी मत रखो, सीधे 1/4 कर दो, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ेगा। उसके बाद 3, अब देखिए आपको यहाँ पर चल रहा है पता 1/4 + 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्टेप जितने कम कर दोगे उतना ज़्यादा फायदा है आपका, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है, माइनस का 2 × ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कर देते तो एक स्टेप आपको बच जाता, क्या 1/4 उसके बाद 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/2, तो यहाँ से निकल के और फिर ये माइनस का स्टेप जितने कम करोगे उतना अच्छा है, जैसे यहाँ पर तुरंत ही काटा आपने, ये आ गया आपका कितना आ गया माइनस का 1 और नीचे भी माइनस का 1 है, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टेप कम करोगे उतना चीज़ों को फास्ट कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ऊपर छिपा हुआ है और हिंदी में मैं इसको समझा देता हूँ आपको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक किताब पर छूट, मतलब एक किताब पर डिस्काउंट जो है वो SP का 30% है और जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है, तो आपसे पूछा गया डिस्काउंट और जितना डिस्काउंट दिया गया वो पूछा गया केवल, ठीक है, जितना डिस्काउंट का रेशियो पूछा गया CP से, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30%, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य यदि आपका 100 है, ठीक है, तो आपका जो आपका क्या बोलते हैं मार्क प्राइस जो है MP जो है वो 130 है, क्योंकि ये SP पे लिया गया है, ठीक है। SP का 30%, अगर आपका SP 100 है तो इसका 30% कितना होगा, 30, और वो 30 रुपये क्या छूट है, इसका मतलब आपका MP कितना रहा होगा, 130, तभी तो 30 छूटों के 100 आया होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कितना आपको यहाँ पे मिला, छूट कितनी मिली, तो छूट मिली 30 की, तो मुझे छूट तो पता चल गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो आपका छूट का परसेंट है वो आपका, मतलब जो डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, ये है 3/13, समझ में आ रहा है, 3/13 आपका डिस्काउंट परसेंट है, और यही आपका कह रहा है प्रॉफिट परसेंट है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब कि अगर 13 आपका CP है तो 16 आपका रहा होगा SP, 3 क्या है प्रॉफिट, तो 13 अगर CP रहा है तो 16 आपका क्या रहा होगा, SP रहा होगा। तो 16 की वैल्यू अगर 100 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, तो 25/4 गुणे 13, ठीक है, डाइट किया है मैंने, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/4 गुणे 13, तो आपका CP कितना आ गया, 25/4 गुणे 13। और आपसे वही तो बोला गया यहाँ पे कि छूट जो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 30 का डिस्काउंट है, और आपका CP कितना आ गया, 25/13 और अपॉन में कितना है 4, तो 5 × 30, 25, तो ये आ गया आपका 24:65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने इसीलिए लिया था हिंदी में भी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखिए बड़े से आपको दिखते हैं पेपर में, काफ़ी परेशान करते हैं, बट जितना स्पीड में आप क्लिक कर पाओ, इसीलिए मैं टेस्ट देता हूँ कि इन 10 क्वेश्चन को आप अगर 8 मिनट या 9 मिनट में बना पा रहे हो तो आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है, सिलेंडर है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, लोहे के दो गोलक, मतलब दो गोले डाल दिए गए हैं इसमें, तो बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। एक गोलक बाल की त्रिज्या, मतलब जो एक आपका जो क्या है एक गोला उसकी त्रिज्या जो है, मतलब रेडियस है, वो दूसरे की आधी है, इसका मतलब 4/3 pi। आपको पता है जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको आयतन को बराबर करना होता है, वॉल्यूम को इक्वल करना होता है, 4/3 pi। अब क्या कर रहा है, एक जो रेडियस है वो मैं ले रहा हूँ 2r, तो दूसरी रेडियस कितनी हो जाएगी, r, तो 2r³ + r³ ये इक्वल हो जाएगा आपका pi r² r स्क्वायर मतलब कितना, 9, तो 81, और h कितना है 4, क्योंकि 4 बड़ा था, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना यहाँ पर निकल के आ रहा है, आ जाएगा 9r³ और 81 × 3 हो जाएगा, तो 9 × 81 = 27, और r की वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि 27 आया, तो r की वैल्यू 3 आई, और अब आपने क्या माना था, एक r माना था एक 2r माना था, तो 3 और 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था ये सिंपल सा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी देखिए आपको सवाल अगर आप सिंपल, मतलब आप बेसिक से जाओगे, मतलब आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, sec को 1/cos, tan को sin/cos, तो हो सकता थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट वही मैंने बोला कि जब भी आपको वैल्यूज़ गिवन हो तो हमेशा आपको 45 से जाना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही थीटा को 45 रखते हो क्या मिला आपको, यहाँ पे 1/√2 क्या हो जाएगा, 2√2 केवल बचेगा, -1 अपॉन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 को आप लिख लो चाहे, कोई मतलब नहीं है उसका, इनटू 10 45 का स्क्वायर 1, तो उसको मत लिखो, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 - 1, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे क्या है √2, और टेन थीटा कितना है -1। अब देखो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 1 है, और ये भी कैंसिल आउट है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आज के, उम्मीद करता हूँ कि थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, बट यही आपके CHSL का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपके फ़ायदे का बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं भी आप एक तरीके अभी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा पता हैं, और मैं ज़्यादा जनरली तरीके से आपको उसको दे सकता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो मैं देने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।